अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। सोशल मीडिया पर अपने फेक वीडियो पर सचिन तेंदुलकर का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन तेंदुलकर का कहना है कि ये वीडियो नकली है और लोगों को धोखा देने के लिए बनाया गया है। सचिन ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। सचिन ने लोगों से अपील की है कि अगर आपको ऐसा कोई वीडियो या विज्ञापन दिखता है तो आप उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट करें। इसके साथ ही सचिन ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ की गई शिकायत पर जल्द से जल्द एक्शन भी लेना चाहिए ताकि गलत सूचना और खबरों को रोका जा सके और डीप फेक का दुरुपयोग कम हो। तो सचिन तेंदुलकर का ये सीधा रिएक्शन उनके डीप फेक वीडियो पर, और उन्होंने बड़े लंबा एक एक्स पर पोस्ट लिखा है, कहा है कि ये जो वीडियो सामने आए हैं ये फेक हैं और ये बहुत विचलित करने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी का इस कदर से दुरुपयोग किया जा रहा है। चिश्ती के 812वें उर्स के मौके पर अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर भेजी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली कैंट में एनसीसी परेड में हुए शामिल। तमिलनाडु के मदुरे में जल्लीकट्टू 2023 का आयोजन शुरू हो चुका है। 16 जनवरी को पलमेडू और 17 जनवरी को भी यहां पर जल्लीकट्टू खेला जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल की शुभकामनाएं दी, बोले एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दर्शाता है ये त्यौहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किस्त, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से करेंगे संवाद। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन 67 दिनों में 15 राज्यों के 110 जिलों से गुजरेगी ये यात्रा। गुजरात के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे गांधीनगर में। आज सुबह 11:30 बजे विभिन्न विकास कार्यों और उद्घाटन का यहां पर शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के भाटपारा में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गंगा आरती की। आंध्र प्रदेश और केरल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 और 17 जनवरी को करेंगे आंध्र प्रदेश और केरल का दौरा, कई बड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का बड़ा बयान, अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान, कहा बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेगी गठबंधन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को दी जन्मदिन की बधाई, फोन पर हुई दोनों की बातचीत, राजनाथ ने बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को फोन कर दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बेहद खराब स्थिति में है, वहीं टीएमसी ने अधीर रंजन को बीजेपी का एजेंट बताया। इससे पहले टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस जमीन पर फेल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उसके सपने आसमान पर है। उनका दावा यह है कि कांग्रेस को अपने क्षेत्र में ही वोट नहीं मिल रहे। बिहार में महागठबंधन सरकार में क्रेडिट लेने की होड़ मची है। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के मामले में आरजेडी और जेडीयू नेता अपने अपने नेताओं को क्रेडिट दे रहे हैं।